अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम ही नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। नाज़रीन किराम, एक बड़े गमनाक अफसोसनाक खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम वक्फ देवबंद के कदीम उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद नसीब अख्तर शाह कैसर साहब का अभी कुछ देर कबल इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, आपको बता दें हजरत मौलाना मोहम्मद नसीब अख्तर शाह कैसर साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के बहुत पुराने उस्ताद थे, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ आलिम दीन में आपका शुमार होता था और आपकी बड़ी खिदमात हैं। आइए हम सब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत मौलाना की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत के तमाम चाहने वालों को, अहले खाना को, तमाम को सब्र जमील अता फरमाए। आपको बताते हैं कि हजरत मौलाना मोहम्मद नसीब अख्तर शाह कैसर साहब के इंतकाल से तमाम दीनी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन किराम, हजरत मौलाना शाह नसीब अख्तर शाह कैसर साहब जो हैं दारुल वक्फ देवबंद के बहुत पुराने उस्ताद थे, आपकी बड़ी खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनको मुक़द्दस फरमाए, इनके फिरदौस में अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।